सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा। अभिनंदन की रिहाई की खुशी में युवाओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। वायुसेना द्वारा पीओके में आतंकवादी कैंपों पर की गई बमबारी के बाद भारत में मिग 21 विमान के पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तथा भारत की कूटनीति के बाद पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा करने का फैसला किया, जिस पर उनके भारत आगमन की खुशी में फतेहाबाद में युवाओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर भारत की कूटनीति की विजय पर हर्ष व्यक्त किया। लोगों का कहना था कि सरकार द्वारा की गई इस तरह की कार्रवाई से देश का मनोबल बढ़ा। आज यहाँ क्षेत्रीय लोगों ने गांधी चौक चौराहे पर हर्षवर्धन विंग कमांडर हर्षवर्धन को रिहा करने के हर्ष व्यक्त किया है। अपने देश की कूटनीति काम कर गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान ने बैकफुट पर आकर हमारे विंग कमांडर जामाज विंग कमांडर श्री अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर दिया है। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी कूटनीति की तरफ जीत है। इसके लिए भारत सरकार और हमारी जामाज सेना को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और नमन है। क्षेत्रीय जनता में कितना उत्साह है? क्षेत्रीय जनता में निश्चित रूप से बहुत भारी उत्साह है। पूरे देश में हर्ष की लहर है। एक तरफ जो हमारे देश के वीर जवानों ने सिद्ध कर दिया कि किसी से कम नहीं है, और सरकार का भी कूटनीति की तरफ बहुत बड़ा एक सफल कदम है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अवधेश कुमार निषाद है, देश जी। पाकिस्तान ने जो हमारे कमांडर अभिनंदन जी को रिहा किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में कि आप हमारे देश का आर्मी का कमांडर नौजवान सिपाही है, उसे पाकिस्तान कल रिहा कर रहा है और हम उसके हार्दिक स्वागत करते हैं अभिनंदन जी का। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अब? हमें अभिनंदन जी के रिहाई पर बहुत बड़ा गर्व है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि मिलजुल कर अभिनंदन जी के साथ हैं, वह देश की सेना के साथ हैं। वेरी गुड, थैंक यू सर। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।